वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, ये मैं वीडियो हिंदी में खास तौर पर डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को गलतफहमी भी है, बहुत सारी जानकारियाँ देनी भी ज़रूरी है। ये गुरुद्वारा बंगला साहिब में आज एक परिवार ने ये केले का ट्रक भेजा। आप ये देख रहे हैं, ये जो केला है ये 1200 किलो एक परिवार ने भेजा और महाराष्ट्र से परिवार में भेजा। आप ये देखें, लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सेवा चल रही है, ये जो लंगर बन रहा है, ये सिखों के लिए बनता है खाली और सिखों को खिलाया जाता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये लंगर जो है गुरु का लंगर है, किसी का आधार कार्ड देख के, उसका धर्म देख के लंगर नहीं बनाया जाता। ये देखो आप, सारे प्रसादों के ये सारे जो भी आप देख रहे हैं लंगर, ये भर भर के प्रसादे एक एक में, ये गरीब उन लोगों के लिए जा रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनका रहने को जगह नहीं है। और इनमें शायद मात्र ही कोई सैकड़ों में भी गिनती में सिख नहीं होंगे। ये सारा जो है, ये आप देखें, जहां इसमें दान देने वाले में भी जितने सिख हैं उससे उतने ही गैर सिख हिंदू भाई भी हैं। उसी तरह ये जो आप लंगर बनता देख रहे हैं, ये एक गुरुद्वारे का है, गुरुद्वारा बंगला साहब का है। कितना बन गया लंगर आज? 11 क्विंटल बन गया। 11 क्विंटल मेरे भाई, मतलब 1100 किलो आटा अभी तक एक वक्त में सुबह में बन चुका है। कितना बनना हो रहा है? 250 किलो। आ देखो, आ गुरु दे सिख देखो, जिन्ना आटा उत्ते उन्ना ही आटा इन्हों के शरीर से आ। ये सेवा है गुरु की, इन्हों की ये ऐसी सेवा चल रही है। कड़ाए पे कड़ाए चढ़े हुए हैं, गाड़ियां भर भर के रसद की, लंगर की जा रही हैं और लोगों की, भेजने वालों की भी कमी नहीं है ना, गुरुद्वारे में खिलाने वालों की कमी है। और ये सारे जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, ये सारे के सारे भरे हुए दाल सब्जियां, ये देखो कैसे एक एक वक्त में सुबह से खाना जा रहा है। परमात्मा का घर देखो, ये गुरु का घर है, सुबह से खाना जा रहा है भर भर गाड़ियों में और फिर भी परमात्मा के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अब भाई किन्ने किन्नी दाल बन गई सवेर दी? 10 देगी, मतलब किन्ने क्विंटल, किन्नी किन्ने क्विंटल बनी दाल दस्यो जी? 350 3.5 क्विंटल दाल सुबह से बन चुकी है, 350 किलो। ते चावल किन्ने? 600 बन चुके हैं, 600 किलो चावल बन चुके हैं, 350 किलो दाल बन चुकी है। हुण होर किन्नी बनाओगे? 250 किलो अजे होर बना रहे ने। और चावल किन्नी बनाओगे? और 500 किलो चावल अभी और बनेंगे। अब देखो 600 किलो चावल बन गए, 1100 किलो चावल, 1100 किलो ट्रक होता है एक, और 600 किलो दाल, एक वक्त में 1200 किलो। आप देखो आटे की तैयारी, ये गुरु घर की सेवा है, ये मानवता की सेवा करने वाले ये फरिश्ते हैं। मैं आपको जहां इनका धन्यवाद आप करें, वहां मैं उन भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो हमें इतनी बड़ी रसद भेज रहे हैं, ट्रकों के ट्रक भेज के, सामान के भेजे जा रहे हैं। कल बहुत बड़े स्तर पर 1200 पता नहीं कितने क्विंटल आटा भेजा एक ने, किसी ने राइस भेजे, आज आपने देखा है 12 क्विंटल 1200 किलो केले भेजे। और सुबह से लेकर शाम तक सामान देने वालों की ना कमी है, ना खाने वालों की, ना खिलाने वालों की और ना ही बनाने वालों की। यह सेवा निरंतर आपकी चलती रहेगी, इसी तरह चलती रहेगी। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ जिनके कारण यह सेवा निरंतर चल रही है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मानवता की सेवा लगातार चलते रहेंगे। कल हमको दिखाएंगे किस तरह यहाँ से मीठे चावल बन के जाएंगे, हर दिन नई चीज बन के जाती है, कभी सब्जी, कभी राजमा, कभी चने, कल मीठे चावल बन के जाएंगे। ये यहाँ के गुरु घर के सेवादारों की भावना है, मुझे उम्मीद है आपको इनकी भावना की जरूर कदर करेंगे और इनके लिए भी दुआ करें, अरदास करें, प्रार्थना करें। इनके बच्चे भी हैं, इनके माँ बाप भी हैं, हम घरों में बैठे हैं लेकिन ये मानवता की सेवा करने के लिए आपके बीच में सेवा कर रहे हैं। सो मैं इन सब सेवादार को कहूंगा, एक बार आपको फतेह बुलाएंगे और हम आपसे इजाजत लेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा। ये निरंतर सेवा चलती रहे इसके लिए आप हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, हमारा ज्यादा से ज्यादा योगदान दें।
ये हमारे सारे सेवादार रंजीत सिंह जी, ये सुबह से लेकर शाम तक, रात को सुबह सेवा करने आ जाते हैं, रात तक सेवा करने। फतेह बुलाओ जी, ये देखो जी साढ़े लांगड़िया सब धनवाद जी, इन्हें सब का धनवाद करो, खास तौर पर इन्हों बच्चों का, बई फतेह बुला सारे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु साहब संगत नूं फतेह बुलाओ। देखो तुसीं कितना आटे च आटा होया है, इन्हां लोकां दा धन्नवाद करिए, बहुत बहुत धन्नवाद। इसे तरह सारे चढ़दी कला च रहो। वाहे गुरु जी का खालसा।